हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 7 में सेमेस्टर 2 में इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5 के बारे में समझने वाले हैं। यूनिट का नाम है मी टू, यानी कि मैं भी। उसमें हम एक्टिविटी 1 से शुरुआत करेंगे। एक्टिविटी 1 में हमें इस प्रकार इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि प्ले द फिक्स आंसर गेम एंड वेयर इज माई आंसर गेम। द टीचर विल हेल्प यू सी द हेल्पलाइन। यहाँ जो एक गेम आपको खेलनी है, वो गेम आपको यहाँ पर हेल्पलाइन जो लास्ट में हमें दी गई है, हेल्पलाइन एक्टिविटी 1 के लिए, उस प्रकार आपको शिक्षक की मदद से, यानी कि जब आप क्लास में रहते हैं तो आप ऐसे गेम खेल सकते हो, और आप अंदर अंदर यानी कि एक दूसरे के साथ भी जोड़ी बनाकर, ग्रुप बनाकर आप यहाँ गेम खेल सकते हो। उसमें आपको एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर यानी कि सवाल जवाब करने हैं। इस प्रकार हेल्पलाइन की मदद से आपको यह गेम फिनिश करना है और समझना है किस प्रकार हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। उसके बाद है एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 यूनिट के हिसाब से हमारी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इसी एक्टिविटी में से हमें क्वेश्चन आंसर आदि सब पूछे जाएंगे एग्ज़ाम्स में। तो हम यह जो एक छोटी सी स्टोरी है उसको अब समझते हैं। स्टोरी का नाम है मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले आपको मैं बता दूं कि यह जो यूनिट जो एक्टिविटी है वो चींटी के बारे में, एंट के बारे में है। वो अपना जीवन कैसे गुजारते हैं और उनका जीवन कैसे होता है, इसके बारे में एक स्टोरी दी गई है। तो एक्टिविटी 2 ए लिसन एंड रीड। तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। आपने चींटी तो देखी ही होगी, और कोई ब्लैक कलर की, कोई रेड कलर की होती है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। आई एम श्योर यू नो मैनी थिंग्स अबाउट एंट्स। मुझे विश्वास है कि आपने चींटियों के बारे में, यानी कि आपको पता ही होगा, यू नो आप जानते ही होंगे। लेट्स नो मोर अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर्स। चलो हम इस छोटे से मेहनतू यानी कि काम मेहनत करने वाले और होशियार जीव के बारे में ज़्यादा जानते हैं। टाइनी यानी छोटा, हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत मेहनत करने वाले, और इंटेलिजेंस यानी कि होशियार क्रिएचर यानी जीव। लुक एट द पिक्चर, चित्र को देखो। व्हाट आर द एंट्स डूइंग, चींटियाँ क्या कर रही है। दे आर टॉकिंग, वे बातें कर रही है। क्या कर रही है, बातें कर रही है। डू दे टॉक, वे बातें कर सकते हैं। यस हाँ, हाउ कैन दे टॉक, वो कैसे बात कर सकती हो। दे टच देयर फीलर्स और एंटीना एंड पास मैसेजेस। वो अपने स्पर्श इंद्रिय यानी कि फीलर्स या फिर एंटीना के द्वारा स्पर्श कर कर संदेशा पहुँचाती। वॉच अ रो ऑफ एंट्स, चींटियों की लाइन देखो। ईच एंट्स टच अदर एंट्स विथ फीलर्स, हर चींटी अपनी स्पर्श इंद्रिय फीलर्स यानी कि एंटीना जो उसके सिर पे होता है, वो एंटीना की मदद से यानी कि स्पर्श इंद्रिय की मदद से वो दूसरी चींटियों को स्पर्श कर रही है। आगे, वी ऑलवेज सी द एंट्स बट वी डोंट पे अटेंशन टू देम। हम हर बार यानी कि हमेशा, हम हमेशा चींटियों को देखते हैं, लेकिन बट लेकिन हम उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना, टू देम, देम यानी कि उन पर, डोंट यानी कि नहीं, हम ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देते। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती है।
इन अ कंफर्टेबल होम्स, आरामदायक घर में, नेस्ट और एंथिल, घोंसले में या छेद में। ईच एंथिल्स हैज मैनी रूम्स एंड पैसेजेस। हर छेद में, यानी कि उसको हम गुजराती में कहते हैं दर, यानी कि जो अंदर छेद होता है ज़मीन में, वह मैनी रूम्स यानी कि हर एंथिल में अलग अलग रूम्स होते हैं, यानी कि रहने के लिए जो जैसे हम सेपरेट रूम्स वगैरह बनाते हैं, वैसे उनका भी अलग अलग रूम होते हैं। एंड पैसेजेस यानी के रास्ते होते हैं। अदर्स रूम्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, यानी के कुछ जो खंड होते हैं वो बच्चों की देखभाल के लिए होते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स, और कामदारों के लिए अलग उनके अनामत, यानी के उनको पहले से ही दिए गए हुए घर होते हैं, मकान होते हैं, क्वार्टर्स मकान खंड। द वर्कर्स सर्च एंड फिच फूड इन टू द एंथिल, यानी कि कामदार जो होते हैं वो खाना ढूंढकर छेद यानी कि दर में लाते हैं। फिच यानी पहुंचाना, फूड यानी कि खाना, इन टू द एंथिल। सम रूम्स आर स्टोर हाउस फॉर फूड, और कुछ जो खंड होते हैं, जो रूम होते हैं वो स्टोर हाउस यानी कि संग्रह करने के लिए, खाना संग्रह करने के लिए होते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरेक्स, यानी कि जो सैनिक होते हैं उनके लिए अलग बैरेक यानी कि रहने के लिए जगह होती है। बैरेक यानी जैसे हम लोग कई मूवीज़ फिल्मों में भी देखते हैं कि जो सैनिक होते हैं उनके लिए एक लंबा सा मकान होता है रहने के लिए, जैसे हॉस्टल टाइप, वैसे पूरा मकान सैनिकों के लिए बनाया जाता। सोल्जर्स डू नॉट गो आउट सर्चिंग फॉर फूड, यानी कि जो सैनिक होते हैं डू नॉट गो नहीं जाते आउट बाहर सर्चिंग यानी कि ढूंढने के लिए, फॉर फूड खाना ढूंढने के लिए सैनिक बाहर नहीं जाते। वर्कर्स सोल्जर्स और क्लीनर्स डू नॉट हार्म यंग वंस द ग्रब्स। ग्रब्स यानी कि यहाँ पर बच्चा, छोटा बच्चा ही होगा अर्थ उसका, और यंग वंस का अर्थ भी छोटा बच्चा ही होगा। कामदार, सैनिक और साफ करने वाले छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते। दे नेवर फाइट विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। दे नेवर, वो कभी भी यानी कि वे कभी भी नहीं झगड़ते विथ अदर मेंबर्स, दूसरे सदस्यों के साथ, ऑफ द ग्रुप समूह के दूसरे सदस्यों के साथ कभी वो झगड़ा नहीं करते। सो एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए चींटियों का जीवन काफ़ी शांत होता है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ छेद जो दर होता है उसका एक चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है, और चींटियाँ सामान पहुँचाती है बराबर, और अलग अलग प्रकार के घर यानी कि खंड अंदर बनाए गए हैं सैनिकों के लिए, कामदारों के लिए, बच्चों के लिए, वैसे अलग अलग सेपरेट रूम्स उनके लिए बनाए गए हैं। द क्वीन एंट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। जो किडियो चींटियों की रानी होती है वो लगभग 15 साल जीती है। इट लेज ईग्स, वो अंडे रखती है। ईग्स आर हैच एंड ग्रब्स कैम आउट। जो चींटी होती है वो अंडों को हैच यानी कि इसका हम हिंदी में अर्थ करेंगे सेवना, सेवना यानी कि उसको गर्म करती है, बचाती है, और ग्रब्स कैम आउट और बच्चे बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, सैनिक उसकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, कामदार उसको खाना खिलाते हैं और साफ करते हैं। दे ऑल्सो कैरी देम, वो उनका ध्यान भी रखते हैं। कैरी कैरी यानी कि केयर करना यानी कि ध्यान रखना। फॉर एक्सरसाइज एंड सनशाइन, कसरत करने के लिए और धूप के लिए भी उनको वो ले जाते हैं। कैरी यानी यहाँ पर हम ले जाना, उसका अर्थ अर्थ होगा। दे ऑल्सो कैरी देम यानी कि ले जाते हैं। फॉर एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उनको
कसरत के लिए और धूप के लिए ले जाते हैं। सम अदर क्रिएचर्स लिव इन द एंथिल, कुछ दूसरे जीव भी छेद में यानी कि दर में रहते हैं। दे आर बेटलेस, स्मॉलर एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई, उसमें कई सारी दूसरे जीव जंतु भी यानी कि जो सजीव है वो भी कुछ चींटियों की तरह दर में रहते हैं, छेद में। दे आर उसमें जो जीवों का समावेश होता है उसमें है बीटल्स, स्मॉलर एंट्स और ग्रीन फ्लाइज। व्हाई डू एंट्स कीप दिस क्रिएचर इन देयर होम, यानी कि क्यों चींटियाँ उन उन जंतुओं को अपने घर में रखती है। फॉर मैनी रीजंस, कई कारणों के लिए। सम फॉर प्लेजेंट स्मेल, कुछ अच्छी सुगंध के लिए यानी कि सूंघने के लिए, अच्छी स्मेल के लिए। सम आर जस्ट पेट्स, कुछ ऐसे ही पालने के लिए। एंड आर प्लेइंग लाइक अवर कैट्स एंड डॉग्स, और हम जैसे इंसान जैसे बिल्लियाँ और कुत्तों को पालते हैं वैसे ही वो चींटियाँ भी कुछ जीवों को यानी कि सजीवों को पालती है। अदर गिव्स स्वीट जूस, कुछ मीठा रस देते हैं। उसके बाद द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है। जैसे हम हमें गाय दूध देती है वैसे ही जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों को दूध देती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गो गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क, बराबर। जो चींटियाँ होती है वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती है गिव देने के लिए हनी ड्यू यानी कि मीठा रस। जैसे गाय हमें दूध देती है वैसे वो हनी ड्यू उनको देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, उनका जैसे गाय हमें देती है मिल्क वैसे दे मिल्क उनका जो दूध होता है जस्ट एज वी मिल्क द काउ, जैसे हमारे गाय का दूध होता है वैसे। तो यहाँ पर जो चींटियों के बारे में छोटी सी जो डिटेल्स यहाँ पर हमें दी गई है उसके आधार पर से यानी कि उसके रिलेटेड दूसरी माहिती हम इकट्ठा कर सकते हैं। और चींटियों के जैसे ही हम दूसरे जो छोटे जीव हैं उनके बारे में भी माहिती डिटेल्स हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारा जीवन जैसे होता है वैसे ही उनका जीवन भी होता है। तो वो भी अपने अलग तरीके से अपने जीवन में अपना गुजारा करते हैं यानी कि वो अपना जीवन गुजारते हैं। उनकी भी कुछ उम्र तक वो साथ में रहते हैं, समूह में रहते हैं, फिर वो भी अपना अपना एक परिवार बनाते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि चींटियाँ झुंड में ही दिखाई देती है यानी कि समूह में ही वो होती है। तो एक तरीके से हमें ये भी सीख लेनी चाहिए कि एकता में ही सकती है यानी कि समूह में रहने से ही हम बच सकते हैं दूसरों से। जैसे वो समूह में रहकर हम इंसानों से और दूसरे सजीवों से बचती है वैसे। उसके बाद उसी एक्टिविटी में बी फाइंड आउट सिनोनिम्स फ्रॉम अंडरलाइन वर्ड्स इन ए फ्रॉम बी, ड्रॉ एन एरो एज शोन इन द एग्जाम्पल, यानी कि आपको जोड़ बनाने हैं ए और बी में से शब्द ढूंढ कर, जो सेंटेंस दिए उसमें से जो कौन सा सेंटेंस उसके रिलेटेड है वो आपको ढूंढना है। तो उसमें जो अंडरलाइन किए गए हुए जो शब्द है उसकी जगह आपको उसके रिलेटेड सामने बी में से आपको वो शब्द ढूंढना है। ओके, तो सबसे पहले पहले नंबर पर द एंट्स यूज पिलर्स टू टॉक विथ अदर एनिमल्स, तो यहाँ पर आएगा हमारा एंटीना। तो सेंटेंस नंबर बी में तीसरा जो है वो उसके सामने हमें जवाब आएगा। उसके बाद क्रिएचर्स आर लिविंग थिंग्स, तो उसमें देखें तो एनिमल्स क्रिएचर्स यानी एनिमल्स, तो चौथा जो सेंटेंस है वो हमारा आंसर आएगा दूसरे में। उसके बाद है लुक एट द रॉ ऑफ एंट, रॉ यानी कि लाइन, तो लाइन शब्द कहाँ है यहाँ पर, तो हम देखें
तो पांचवें नंबर का वाक्य। उसके बाद है देर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट्स, काइंड्स यानी के प्रकार। तो यहाँ पर टाइप्स पहला सेंटेंस जो है वो हमारा आएगा आंसर चौथे में। पांचवा सर्च, सर्च है तो फाइंड आउट, सर्च यानी ढूंढना, फाइंड आउट। तो दूसरा वाक्य द ग्रब्स लिव इन द नर्सरी यानी के सातवा बेबी रूम। फिर वर्कर्स हैव रिजर्व रूम्स यानी के स्पेशल रूम। छठवा वाक्य यानी जो सेंटेंस अंडरलाइन किए हुए वो समानार्थी शब्द सामने से आपको सिनोनियम्स उसका ढूंढना है। ओके, उसके बाद नीचे उनके सामने आपको जो जो शब्द जैसे मैंने अभी बोले वो शब्द आपको उसके सामने लिखना है। जैसे कि फिलर, तो फिलर में आएगा एंटीना तीसरा, फिर दूसरे में आएगा क्रिएचर में चौथा, तीसरे में आएगा पांचवा, फिर काइंड्स ऑफ एंड्स यानी कि टाइप चौथे में आएगा पहला, फिर पांचवे में सर्च, तो पांचवे में आएगा दूसरा वाक्य, फिर छठवें में आएगा सातवां वाक्य, सातवें में आएगा छठा वाक्य। उसके बाद है सी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह आपको भरनी है। उसमें एन एंट यूसेस इट्स खाली जगह टू टॉक और अदर एंट्स यानी कि फिलर्स एंड एंटीना। जो ऊपर आपको सेंटेंस दिए हैं उसके आधार पर ही भरना है। दूसरे में आएगा फिलर्स, तीसरे में आएगा एंथिल, चौथे में आएगा वर्कर्स, फिर पांचवे में आएगा क्वीन, छठवें में आएगा बेरेक्स, सातवें में आएगा पेसफुल शांतिपूर्वक, आठवें में आएगा ग्रीन फ्लाई और नौवें में आएगा हनी ड्यू। लास्ट है दसवां, दसवें में आएगा प्लेजेंट स्मेल। जो यूनिट है हमारी स्टोरी उसके आधार पर ही आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह भरनी है। जैसे जैसे जवाब बोले वैसे आपको लिखना है। उसके बाद डी टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर आपको सही का निशान करना है। पहला है हाउ डू एंट्स टॉक, तो वो कैसे बात करती है। तो हमने पहले ही सेंटेंस में देखा कि वो एक पहले ही पैराग्राफ में देखा है कि वो एंटेना से जुड़कर, बराबर, तो उसमें आएगा हमारा पहला ए। दूसरे में आएगा वाई डू दे एंट्स टच इच अदर विद देयर एंटेनास, तो बातें करने के लिए। तो हमारा दूसरे में हमारा यहाँ पर आएगा सही। ओके, उसके बाद है तीसरा सम रूम्स आर नर्सरीज फॉर, तो तीसरे में आएगा यंग वंस यानी कि तीसरा। ये वाला, फिर हु कलेक्ट्स फूड, तो वर्कर्स, फिर हु लिव्स इन द एंट्स होम, तो उसमें आएगा हमारा ग्रीन फ्लाई लास्ट वाला। ओके, उसके बाद आंसर द क्वेश्चन ई, ई में हमारा है क्वेश्चन आंसर है। तो क्वेश्चन आंसर हमें लिखना है वेयर डू द सोल्जर्स लिव यानी कि सोल्जर्स कहाँ रहते हैं। तो सोल्जर्स लिव लिव इन बैरेक्स। हु गार्ड्स द क्रब्स, तो सोल्जर्स गार्ड द ग्रब्स। पहले में आंसर आएगा सोल्जर्स लिव इन बैरेक्स, दूसरे में आंसर आएगा द सोल्जर्स गार्ड द ग्रब्स। वाई डू एंट्स कीप अदर क्रिएचर्स इन देयर होम, आंसर इस प्रकार आएगा एंट्स कीप्स कीप अदर क्रिएचर्स फॉर प्लेजेंट स्मेल एज पेट्स और टू गिव स्वीट जूस। उसके बाद चौथा हाउ लॉन्ग डज द क्वीन क्वीन एंट लिव, द क्वीन एंट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। पांचवा आर देर पेट्स इन द एंट हिल, आंसर आएगा यस देर आर पेट्स इन द एंट हिल। उसके बाद एक्टिविटी नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द डायलॉग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वॉट हु वेन वेयर का उपयोग कर कर आपको जो डायलॉग दिया गया है उसको फिलअप करना है। उसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन फिलअप करना है। पहला है स्वप्निल खाली जगह डज योर ग्रैंड मा लिव, तो
उसमें आएगा स्थल दर्शाना है, तो स्थल की जगह आएगा वेयर, तो वेयर हमें लिखना होगा खाली जगह में। उसके बाद है जय, सी लिव्स इन हिम्मत नगर। स्वप्निल, खाली जगह टेक्स केयर ऑफ हर, यानी कि वहाँ उसका कौन ध्यान रखता है वैसा हमें लिखना है, तो आंसर में आएगा हु, WHO। जय कहता है माई मम्मी बाय द वे डू यू वॉच TV। स्वप्निल कहता है यस। जय, तो नीचे समय दिया है तो ऊपर सवाल में आएगा वैन, WHEN, @8 PM एवरी डे। उसके बाद बचा वॉट, तो वॉट टाइम यानी के कौन से समय। ओके, तो इस प्रकार चारों खाली जगह आपके बननी है। एक्टिविटी नंबर 4, रीड द पैराग्राफ एंड कंप्लीट द टेबल। पैराग्राफ पढ़ना है आपको, और पैराग्राफ पढ़कर यहाँ जो टेबल दिया है उसको आपको कंप्लीट करना है। पैराग्राफ हम एक बार पढ़ लेते हैं। पप्पू एंड मोनिका वर्क इन देयर फार्म एवरी संडे। पप्पू और मोनिका उसके खेत में हर रविवार को काम करते हैं। तो वॉटर द प्लांट्स एंड क्लीन द फ्लावर बेड्स। वो साफ सफाई करते हैं और पौधों को पानी वगैरह देते हैं। देर आर मैनी ट्रीज इन देयर फार्म, उनके फार्म में कई सारे पेड़ है। द बर्ड्स लिव इन द ट्रीज, पक्षी उस पेड़ पर रहते हैं। पप्पू एंड मोनिका लव टू वॉच द बर्ड्स, पप्पू और मोनिका को पक्षी देखना अच्छा लगता है। बर्ड्स फ्लाई फॉर फूड इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न इन द इवनिंग। पक्षी सुबह में खाने के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। देर आर मंकीज इन द ट्रीज ऑल्सो, उस पेड़ पर बंदर भी है। दे जम्प फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, वो एक डाली से होकर दूसरे डाली तक छलांग लगाते हैं। चनक काका प्रोटेक्ट्स द फार्म फ्रॉम द मंकीज, और चनक काका जो है वो बंदरों से खेत की रक्षा करते हैं। ही इज़ अ हेल्पर इन द फार्म, वो खेत में एक मददगार की भूमिका अदा करते हैं। ही स्टे इन द फार्म, वो फार्म में ही रुकते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ द फार्म, और वो फार्म का देखभाल करते हैं। यहाँ पर आपको एक्शन क्रिया दिखानी है, वो थिंग्स ऑब्जेक्ट वस्तुएं कौन कौन सी है, जगह कौन सी है और टाइम कौन कौन सा है, वो आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले पहले लाइन में हम देखते हैं पप्पू एंड मोनिका, तो वो काम करते हैं, वो नहीं दर्शाया है। तो वेयर कहाँ, फार्म में, वैन, तो समय है एवरी संडे। उसके बाद है दूसरा दे वाटर, दूसरी खाली जगह आएगा प्लांट्स, फिर डे से, फिर एवरी संडे। दे खाली जगह तो डूडस में आएगा क्लीन, और फ्लावर बीड्स के बाद आएगा फार्म, फिर एवरी संडे। बर्ड्स फ्लाई डैश डैश मॉर्निंग, बर्ड्स रिटर्न डैश डैश इवनिंग, मंकी जंप डैश बनियन ट्री डैश। ऐसे आपको फिनिश करना है। ओके, उसके बाद है बी, मेक क्वेश्चन एज पर द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जैसे आपको दिया है वैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको पांच चार सेंटेंस दिए गए हैं, तो चारों सेंटेंस के अनुसार आपको जनका का बर्ड्स मंकीज के आधार पर क्वेश्चन बनाने हैं। तो पहले मैं जनका का मैं आपको बोल के सुना देता हूँ, वो आप लिख लेना। हु टेक्स केयर ऑफ द फार्म क्वेश्चन मार्क, दूसरा वाक्य बन सकता है हु स्टे ऑन द फार्म। फिर बर्ड्स में हमें लिखना है हु लिव्स इन द ट्रीज क्वेश्चन मार्क, हु फ्लाई फॉर फूड इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, तीसरा वाक्य हु रिटर्न इन द इवनिंग। ओके, उसके बाद मंकीज में आएगा हु जंप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। उसके बाद दूसरा व्हेन डू दे वर्क इन द फार्म, तो उसमें चनका का में डेस आएगा, और दूसरे बर्ड्स में आएगा व्हेन डू दे फ्लाई फॉर फूड क्वेश्चन का क्वेश्चन मार्क, व्हेन डू दे रिटर्न क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मंकीज में डेस आएगा तीसरा वेयर डू दे वर्क, तो चनका का में आएगा वेयर डज ही स्टे। फिर बर्ड्स में आएगा वेयर डू दे लिव,
उसके बाद मंकीज में वेयर डू दे जंप, उसके बाद व्हाट डू दे लव, तो व्हाट डज ही डू क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू दे डू इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, व्हाट डू दे डू इन द इवनिंग क्वेश्चन मार्क, उसके बाद मंकीज व्हाट डू दे डू। तो पहले में एक एक वाक्य आएगा, बर्ड्स में दो वाक्य आएंगे और मंकीज में एक वाक्य आएगा। इस प्रकार आप अपने अनुसार भी वाक्य बनाकर सेंटेंस बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद WH क्वेश्चन का उपयोग कर कर आपको यह एक्टिविटी फिनिश करनी है। रीड द एग्जाम्पल, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ओके, तो पहला है काजल एंड संजय विजिट डिफरेंट म्यूजियम ड्यूरिंग द वेकेशन। तो पहले में आएगा वॉट, दूसरी खाली जगह में हु और वैन। ओके, उसी प्रकार आपको बाकी के सेंटेंस में भी फिनिश करना है। तीसरे में और स्कूल, उसमें ए में आएगा हु, बी में आएगा वैन, सी में आएगा वॉट और डी में आएगा वेयर। फिर उसके बाद वी ड्रिंक लेमन जूस एवरी आफ्टरनून, उसमें पहले में आएगा वॉट, दूसरे में आएगा वैन, सी में आएगा हु। फिर मोनिका अटेंड्स कराटे क्लास इन वीकेंड्स, उसमें पहले में आएगा हु, फिर वॉट और वैन। छठवा आपको अपना आप वाक्य बनाना है। उसके बाद रीड द पैराग्राफ एंड सिलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन। पैराग्राफ पढ़कर आपको करेक्ट आंसर चुनना है। ओके, तो स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 7 वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे 7वीं कक्षा के विद्यार्थी रिया एंड दिशा। कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसेक्ट्स। रिया और दिशा माहिती इकट्ठा कर रहे थे इंसेक्ट यानी कि छोटे जीव जंतुओं के बारे में। निशांत एंड काजल ब्रिंग फोटोग्राफ और इंसेक्ट्स। निशांत और काजल छोटे जीवों के फोटोग्राफ इकट्ठा कर रहे थे। दिव्या यश एंड विश्वास स्टिक द फोटोग्राफ्स ऑन द स्क्रैप बॉक्स बुक। स्क्रैप बुक में वो फोटो चिपका रहे थे। यश एंड विश्वास। हर्ष राइट द फैक्ट्स अबाउट द इंसेक्ट्स। और हर्ष जीव जंतुओं के हकीकत वास्तविकता के बारे में लिख रहा था। तो पहले में आंसर क्या आता है वो, दूसरे में क्या आता है, तीसरे में क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिया एंड दिशा कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसेक्ट्स, तो उसमें आंसर रहेगा हमारा तीसरा, व्हाट डू रिया एंड दिशा डू। दूसरा, निशांत एंड काजल प्रिंट फोटोग्राफ ऑफ इंसेक्ट्स, उसमें आएगा आंसर नंबर दो, व्हाट डू निशांत एंड काजल प्रिंट। फिर तीसरा, हर्ष राइट्स द फैक्ट्स अबाउट द इंसेक्ट्स, उसमें हमारा आंसर आएगा चौथा, व्हाट डज हर्ष राइट। एक्टिविटी नंबर 7, उसमें आपको डॉक्टर की मुलाकात लेनी है एक्सपर्ट की, और अपने अनुसार आपको सेंटेंस इस टेबल का अभ्यास करके आपको बनाने हैं। उसके बाद एक्टिविटी 8 में भी सेम, आपको स्टडी द टेबल, यूज द वोकैबुलरी, मेक क्वेश्चन एज शोन इन द एग्जांपल। एग्जांपल में जैसे आपको बताया है वैसे आपको क्वेश्चन बनाने हैं। उसी प्रकार एक्टिविटी नंबर 9, मेक अ प्रोजेक्ट ऑन ओवर हेल्पर्स, हियर आर द स्टेप्स फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पर जो हमारे हेल्पर्स मददगार होते हैं उसका सेंटेंस दिए गए हैं और उसके अनुसार आपको प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद बी, राइट अ पेज ऑफ योर डायरी एज ए गिवन एग्जाम्पल। टेक हेल्प ऑफ योर टीचर एंड प्रोजेक्ट और हेल्पर्स, जो हमारे मददगार है उसके रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स बनाकर अपने टीचर की मदद करनी है। ओके, तो ये जो एक्टिविटी नंबर 8 और 9 जो है उसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है, जो हमारे मददगार है। दिनचर्या में हमारे काफ़ी मदद रहते मदद होते हैं हमारे, उनके बारे में आपको लिखना है। जैसे उसमें कारपेंटर, बार्बर, फार्मर, टीचर आदि जो व्यवसाय लक्षी जो मददगार है हमारे, उनके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा यह यूनिट जो है वो फिनिश होता है।